हेलो एवरीवन, सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ सुबह सुबह फोटो सेशन हो रहा है दिया के साथ। सना के स्कूल में दिया कंपटीशन है तो इसीलिए दिया बनाया गया है। सना के पापा और सना दोनों मिलके दिया बनाए हैं तो वही फ़ोटो सेशन कर रहे हैं। और ये दिया का फाइनल लुक है जो कि मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से दोनों बाप बेटी ने इसे डेकोरेट किया है। आज सना स्कूल लेके जा रही है इस दिए को। वैसे तो ये दिया कल ही मतलब तैयार हो गया था, लेकिन आज इसे स्कूल में मंगाया गया है क्योंकि कल से दिवाली की छुट्टी हो जाएगी, तो इसीलिए आज सना ये लेके जा रही है अपने स्कूल में। और फिर सना को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और सारे सामान बिखरे पड़े थे तो ये बर्तन सब मैं रख रही थी कि ताकि स्पेस मिल जाए थोड़ा सा मुझे किचन में कुछ बनाने के लिए। और फिर मलाई रखा हुआ था, काफ़ी दिन से मैंने इकट्ठा करके रखा था, उसका घी निकालना था मलाई में से, तो उसे मैं निकाल रही थी फ्रिज से निकाल के और मैं इस पतीले में डाल रही थी। और फिर पतीले में डाल के फिर मैं आराम से बैठ के इसे मथने लगी थी। और काफ़ी देर तक मथने के बाद मेरा हाथ दर्द करने लगा था तो फिर मैं सना के पापा को बुलाई ताकि वो थोड़ी सी हेल्प कर दे मुझे। और फिर दोनों लोगों ने बहुत मेहनत किया तब जाके मलाई से घी निकल के बाहर आया। तो इसमें मैं ठंडा पानी डाल के और फिर मैं अलग कर रही थी इसे। ये देखिए कितना ढेर सारा मलाई निकला है। तो इसे अब मैं आग पे रख के और फिर मैं इसमें से घी निकालूंगी। और यहाँ देखिए लगभग घी मतलब अलग होने लगा है इसमें से, तो थोड़ी देर और इसे पकाएंगे, उसके बाद से फिर इसे मैं छान करके अलग कर लूँगी। और दूसरे साइड में यहाँ पे मैं आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। मैं सोयाबीन को थोड़ा सा फ्राई कर रही थी, इससे सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। और यहाँ देखिए घी को मैंने छान लिया है और इसे अलग भी कर दिया है। पे आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी फाइनल बन के तैयार हो गई है। और ऊपर से धनिया पत्ता डाल देते हैं ताकि ये और टेस्टी बन जाए। तो आज है दिवाली और आप सभी को हैप्पी दिवाली, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ देखिए मैंने प्लेट में ढेर सारे फ्लावर्स और दिया जला रखे हैं जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और सना ने यहाँ पे कान में झुमका पहना है। आज सना को झुमके पहनने का मन कर रहा था तो मैंने उसके कान में इसको अटका दिया है कैसे भी। और ये देखिए ये फाइनल कितना खूबसूरत लग रहा है, ये फ्लावर्स के साथ दिया हमारा। इसे आप भी चाहो तो घर में बना सकते हैं। एक बड़ा सा थाली लेकर के उसमें पानी डालना है और फ्लावर्स डालने हैं इसमें। अगर आपके पास ज़्यादा फ्लावर्स नहीं हैं तो थोड़े भी डाल सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलें छत पे, चलें छत पे, छत पे। हवा चल रहा है। तो अभी 7:45 हो रहा है और हम निकल गए हैं ड्यूटी के लिए। और रास्ते में ये देखिए सब लोग अपने घरों को सजा रखे हैं। तो अभी टाइम 8:30 हो रहा है और अभी हम ड्यूटी आ गए हैं और हम लोगों ने खूब ढेर सारी मस्तियाँ की आज दिन में। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और अपना ड्यूटी का काम शुरू करती हूँ। तो गाइस आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।